नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूँ। बनाने के लिए हम इवन नंबर में कितने भी फंदे ले सकते हैं। डिजाइन बेहद आसान है और बेहद खूबसूरत, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकता है। इसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालिए, इसे जेंट्स स्वेटर में डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेडीज स्वेटर में डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में डालिए, टॉप में डालिए, स्टॉल में डालिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना खूबसूरत है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ये ऐसा। चलिए फ्रेंड्स, हम इस डिजाइन को बनाते हैं। पहले फंदे को या तो सीधा बुन लीजिए या फिर स्लिप कर लीजिए। नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है, अगले फंदे को सीधा बुनना है। अब पहले वाला फंदा, जो स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे उठाइए और फिर बुना हुआ फंदा इसके अंदर से ऐसे निकाल लीजिए। अब इस फंदे को गिराना नहीं है बल्कि इसे भी सीधा बुन लेना है। अब इन्हीं दो फंदों को, पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं दो फंदों को पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनना है। अब स्लिप किया हुआ फंदा उठाना है और इसे इसके अंदर से बुना हुआ फंदा निकाल लेना है। अभी इसे हमें गिराना नहीं है बल्कि इसे हमें सीधा बुन लेना है। सीधा बुन लिया, फिर से देखिए, एक फंदा स्लिप किया, अगले फंदे को सीधा बुना। अब स्लिप किया हुआ फंदा उठाया और ऐसे इसको हम इसमें से बुना हुआ फंदा ऐसे निकाल देंगे। देखिए, बुना हुआ फंदा इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब इस फंदे को हमें बैक लूप से सीधा बुनना है। बैक लूप से सीधा बुन लिया, देखिए दो का दो फंदा हो गया। नेक्स्ट देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और इसके अंदर से, स्लिप किए हुए फंदे के अंदर से बुना हुआ फंदा निकाल लेंगे। अब स्लिप किए हुए फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। लास्ट फंदा है जो स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमने अपना पहला लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। पहला फंदा एज स्टिच है, या तो इसे उल्टा बुनिए या फिर इसे स्लिप कर लीजिए। अब देखिए, ये दो दो फंदे ऐसे हमें ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। तो पहले वाले फंदे को हमें स्लिप करना है, दूसरे वाले फंदे को हमें उल्टा बुन लेना है। अब पहले वाले फंदे को ऐसे हम सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, इसे गिराएंगे और फिर इस फंदे के आगे हमें कर लेना है और फिर इसे भी उल्टा बुन लेना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब नेक्स्ट फंदे को हमें इसे आगे लाना है और इसे उल्टा बुनना है। पहला फंदा स्लिप किया, अगला फंदा उल्टा बुना। अब पहले वाले फंदे को ऐसे सामने की तरफ से आगे लाएंगे और इसे भी हम उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, नेक्स्ट फंदे को हमें उल्टा बुनना है। अब पहले वाले फंदे को ऐसे सामने की तरफ से आगे लाना है और इसे हमें उल्टा बुन लेना है। दो दो के ग्रुप बनते जा रहे हैं। पहला स्लिप किया, अगला उल्टा बुना। पहले वाले को अब हमें सामने की तरफ लाना है और इसे भी उल्टा बुन लेना है।
पहला वाला फंदा ऐसे आगे की तरफ से हम आगे लाएंगे, आगे की तरफ से आगे, इस फंदे के हमें आगे लाना है और फिर उल्टा बुनना है। तो दो फंदे का और दो ही लाइन का ये डिज़ाइन है और इन्हीं दो लाइनों को हमें दोहराते रहने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह ये जिगजैग जैसा बनता चला जाएगा, ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।